करते हुए समाज एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, साथ ही साथ अपने साथियों और अपने अनुजों या अपने छोटे भाइयों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जम्मू से आया हूँ तो उनकी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहे। प्रिय छात्रों, 33 बटालियन के द्वारा आयोजित भारत दक्षिण कार्यक्रम भारत सरकार की योजना, जो एक योजना है हमारी देश का भविष्य युवा शक्ति, हमारे विद्यार्थियों को ध्यान में रख के ये आयोजन किया गया है और जिसके अंतर्गत आप सभी को भारत की विविध संस्कृति की शिक्षा और माध्यम से मानसिक रूप से परिपक्व करने के लिए आयोजित किया गया है। बच्चों, इस बारे में वैसे हमारे साथी अधिकारी पंकज ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन बस मैं ब्रीफ में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप एंजॉय करना और जो अभी तक आपने चित्रों में देखा है ना, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अभी आप जाके देखने वाले हैं जो अभी तक आपने चित्रों में देखा होगा। मोरओवर सबसे बड़ी बात कि अब 30 का एक ग्रुप जा रहा है ना, ये ग्रुप अपने आप में एक टीम भावना भी पैदा करेगा, आपको एक दूसरे का ध्यान भी रखना है रास्ते में। मेरा एक साथी कहाँ है, मैं जब आपकी उम्र में था ना तो मैं भी एक ऐसी इलाके का हूँ उत्तराखंड का, रिमोट एरियाज में रहता था, तो हमें ये अवसर कभी नहीं मिला उस उम्र में। मैंने खुद नौकरी ज्वाइन करने के बाद पहली बार ट्रेन और पहली बार समुद्र देखा, तो आप लोग लकी हैं कि अब ये इस उम्र में आप देख पाएंगे तो वही आपकी सोच भी उतनी परिपक्व हो जाएगी, मतलब उतने मैच्योर हो जाएंगे। तो बस आप अपना एक दूसरे का भी ध्यान रखिएगा, केवल ना केवल घूमना बल्कि एक दूसरे का भी ध्यान रखिएगा कि मेरा साथी कहाँ है, वो उसका सामान कहाँ है, उसका कमरे में पहुँच गया, उसने खाना खा लिया, प्लस साथ ही साथ एंजॉय करना, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला एंजॉय करना, इस टूर को एंजॉय करना, खूब ज्ञान बढ़ा के आना, क्योंकि आपने आने के बाद अपने साथी दूसरे बच्चों को भी ये बात बताना है। जब आप आएंगे ना इसी तरीके से हम फिर बैठेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे भी इस बारे में। तो बस मेरी अंत में आपको यही कहना है कि खूब इस टूर को एंजॉय करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और बिल्कुल ज्ञान बढ़ा के आना, और अपने अगली बार जो साथी जाएंगे वो हम अगली बार जब डॉक्टर साहब नाम लेने जाएँ तो बच्चों के ऐसे हाथ खड़े हों कि हम भी जाना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट में मैं डॉक्टर अशरफ का और डॉक्टर अनीस का, हमारे मीडिया बंधुओं का विशेष तौर पर धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि ये लोगों का हमें ऐसे प्रोग्राम्स के आयोजन में हमेशा बड़ा सहयोग है। तो आप लोगों का धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं, और हम लोग चाहते हैं कि आपका बढ़िया टूर रहे, अच्छा से, धन्यवाद।